सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम जा रहे हैं आज डिनर डेट पर। आज डेट नाइट है, डेट है अप्रैल 17 संडे, और अप्रैल 17 है लेकिन आज सुबह स्नो हुआ है तो ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी डेट तो डेट होती है, उसको कभी मिस ना करना चाहिए, ना कभी कोशिश करनी चाहिए डेट को मिस करने की। डेट नाइट है, अमेरिकन रेस्टोरेंट बहुत फेमस रेस्टोरेंट है ओमाहा का, वहाँ पे जा रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। आज का जो रेस्टोरेंट चूज किया है वो पूजा ने चूज किया है, क्योंकि आज पूजा का टर्न था डेट नाइट पर रेस्टोरेंट चूज करने के लिए। हम लोग एक एक बार एक एक टर्न देते हैं एक दूसरे को, जिससे कि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि रेस्टोरेंट किसने चूज किया है। और पूजा लेके जा रही है, आप लोग देख सकते हैं ड्राइव कर रही है, पूजा ड्राइव कर रही है, तो मैं आज गेस्ट हूँ, पूजा होस्ट है। और मैंने एक्चुअली कल ही एडवांस में बुक कर लिया था, क्योंकि जनरली टेबल इतनी आसानी से नहीं मिलता है अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट जा रहे हो। तो हम पहुँच रहे हैं अपने टाइम पर, 7 बजने वाले हैं, वही हमारी बुकिंग टाइमिंग है। हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट का नाम है बोन फ्रेश ग्रिल। इसकी स्पेशलिटी है फिश की डिशेस, तो हम ट्राई करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या कितनी अच्छी लगी। फिश के अलावा यहाँ पर और भी सी फूड है, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, वो सब भी स्पेशलिटी है, बट मेनली नोन फॉर फिश। तो चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत सारा साउंड अभी लग रहा है कि गाने चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से कई चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं साउंड की वजह से, लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सके अंदर। सो लेट्स गो इनसाइड। तो ये है अंदर आती एंट्रेंस, और ये है यहाँ पे, थैंक यू। Regular menus for tonight. These are the specials tonight as well. तो ये है अंदर से इसका व्यू, जस्ट सामने हमारे है बार, कॉकटेल बार है ये, और ये है अंकित, हमें हमारा टेबल मिल गया। मेन्यू ये इन लोगों का रेगुलर मेन्यू है, और ये वाला जो है डेली स्पेशल, आज का स्पेशल इधर है। ये भी बहुत अच्छा है, ये क्रश्ड पाइनएप्पल मार्टिनी है, और इसके अंदर पाइनएप्पल का प्रॉपर टेस्ट आ रहा है, एकदम जो भी मिक्स किया गया है, ब्लेंड हुआ है तरीके से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्लस खुशबू भी आ रही है। मेरा है मार्गरिटा, इसकी सबसे खास बात एक ग्लास की शेप, ग्लास का बड़ा ही डिफरेंट शेप है, ऊपर से दिख रहा है गोल नहीं है, पूरा टेढ़ा है, तो ये नीचे से भी बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको रखने पे यूँ गिर जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो पिज्जा की जो इटली में जो बिल्डिंग है जो टेढ़ी है वैसा ही ग्लास भी है, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, सॉल्ट से पूरा किनारे को इसको किया गया और रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, पाइनएप्पल जूस, फ्रेश जूस पी रही हूं मैं, मिक्स सम अदर इंग्रेडिएंट्स। सुपर, तो ये दो ड्रिंक तो हमने टेस्ट कर लिए, यहाँ की ये सुपर है, और पूजा जो वेटर है उनको, जो यहाँ पे वेटर है बार्टेंडर है जो उनको अटेंड कर रहे हैं, उनका नाम जिम है, बहुत सही है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत बड़ा मेन्यू है एक्चुअली, मोर देन 50-60 आइटम्स होंगे उसके, बहुत स्पेशल आइटम्स हैं, एग्जैक्टली, तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो उन्होंने अपने आप से उनको सजेस्ट किया कि क्या बेस्ट है, क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है, तो हमने उनके हिसाब से ऑर्डर किया। तो आप लोग जो लोग भी पास या उमाह से देख रहे हैं या उमाह के आसपास से देख रहे हैं और यहाँ आते हैं, अगर बोन फिश ये रीजेंसी प्लाजा में है उमाह में यहाँ पर आते हो, तो आप अगर लकी इनफ होगे तो आपको जिम बार्टेंडर मिल जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि और कर इनकी क्या स्पेशलिटी है जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और हम आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की चीज़ें भी ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं। तो हमारा स्टार्टर आ गया है, और हमारे स्टार्टर में है ये यहाँ पे रेस्टोरेंट का सैलेड, बोन हाउस हाउस सैलेड, और उसके साथ ये जो वुड फायर ग्रिल सैल्मन फिश है, और
ये है माही फिश का सुशी, और ये जो साइड में ये है इसको वसाबी बोलते हैं, ग्रीन लाइट ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, इतना ज़्यादा स्पाइसी होता है कि ज़रा जस्ट थोड़ा सा पिंच खाने से ही आप हॉटनेस फील कर सकते हैं। ये है हमारा आज का स्टार्टिंग का, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा। स्टार्टर इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं और अंकित भूल ही गए कि इसके बारे में बताना भी है कि कैसा लग रहा है। खाना रफ्तार में ख़त्म हो रहा है, एकदम राजधानी एक्सप्रेस बने हुए हैं हम। बहुत अच्छा है, देखिए ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया, सेम अंकित के साथ है। अंकित ने ऐसे चाट के अपनी प्लेट साफ की है, और अभी हमने ड्रिंक दोबारा से ऑर्डर किया है। अंकित मैंने जो किया है वो किया है पोमेग्रेनेट मार्टनी है मेरा, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अंकित का ड्रिंक है, अंकित तुमने क्या ऑर्डर किया? ये मेरा। अब हम टेस्ट करके बताते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है। कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई लोगों, बहने लोगों कि किसका ज्यादा अच्छा है। अमृत बहुत जबरदस्त ड्रिंक है, ये भी बहुत रिफ्रेशिंग है। पाइनएप्पल और ग्रेपफ्रूट जूस है इसमें। सुपर। ये है यहाँ का किचन इस रेस्टोरेंट का, खाना सामने बन रहा है एकदम लाइव। अंकित को यहीं छोड़ते हुए मैं जा रही हूँ वॉशरूम, रेस्टरूम, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम कैसे होते हैं। तो ये है रास्ता, और यहाँ पर है डाइनिंग के लिए एरिया। हम लोग थे बूथ में, जो कि दो लोगों या चार लोगों के लिए होता है मैक्सिमम। इग्नोर माय हील्स साउंड। और ये है लेडीज वॉशरूम, और अब हम जा रहे हैं अंकित की तरफ। ये है अंकित, आई थिंक बिल आ गया राइट, और बिल हो गया है पेड। तो इट्स टाइम टू गो टू होम राइट। जब US में यूजली किसी भी रेस्टोरेंट में या कोई भी सर्विस लेने आप जाते हैं कहीं पर भी, तो टिप्स का आपको ज़रूर देनी पड़ती है, यूजली मिनिमम 10%, उसके ऊपर आप बुकिंग दे सकते हैं। तो ये एक कल्चर है US का। हमारा हो गया डिनर, और हम हैं रेडी, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस देख के ऐसा लग रहा है शाम हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट 8:30 या 9 बजने वाले, तो हम घर जाएंगे और सीधा सोने का टाइम है हमारा, गुड नाइट होने वाली है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत ही जबरदस्त डिनर था, डेट नाइट यहाँ पे खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी वो बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ एक्साइटिंग लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।